हाई गर्ज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू माई येट अंदर हॉल वीडियो सो आज का जो हॉल वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मज़ेदार धमाकेदार होने वाला है आज मैं शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा फुटवेयरस हॉल एंड मेरे पास टोटल टेन पेयर्स होने वाले हैं फुटवेयर के एंड सारे के सारे अलग अलग हैं एंड बहुत ही यूनिक डिफरेंट ट्रेंड एंड कम्फर्टेबल सारे फुटवेयर्स होने वाले एंड बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है सुपर डुपर अफोर्डेबल है सो so, चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मस्त मस्त मैंने फुटवेयर चूज़ करे थे लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना बेल बटन को हिट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना सो लेट्स गेट स्टार्ट ओके गाइस सो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे फेवरेट फुटवेयर से फेवरेट हील से जो कि इस हॉल में वैसे तो मेरे सारे ही फेवरेट है बट ये मेरा कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है एंड जब मैंने इसको मिंद्रा पर देखा था ना मतलब भाई इतना ज़्यादा ये सुंदर लगा था एंड मैंने इसके रिव्यू भी चेक करे बहुत ही अच्छे रिव्यू थे जो कि है ये ब्लू कलर का हील एंड लुक कैट द स्काइज लुक कैट दस मतलब इसको पहनोगे ना और सबकी नजर इसके ऊपर टिकने वाली है ट्रस्ट में गई सहोत ही प्यारा एंड मोस्ट कम्फर्टेबल हील है ये कैट दिस इसकी हील आप हीट देखो काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलती है बट जब मैंने इसको पहना गाइस मतलब आप इसको पहन के आराम से दौड़ सकते हो भाग सकते हो चल सकते हो कुछ भी मतलब डांस कर सकते हो ये अभी तक का सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये ब्लॉक हील मैंने परचेज़ करा एंड इसके रिव्यू भी मिंद्रा के ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे रिव्यू सभी ने इसको फाइव रेटिंग दिया हुआ था आई थिंक एंड ये लुक वाइज अब देखो कितना ज़्यादा ये हाई क्वालिटी का लग रहा है एंड बहुत ही ज़्यादा ये रिच वाइब दे रहा है एंड बहुत ही मस्त लग रहा है ये पहनने पे एंड इसकी प्राइस है फोटीन हंड्रेड रुपीज़ जो कि मैं बोल सकती हूँ ये टोटली टोटली वर्थ इट इसमें आई थिंक दो तीन कलर भी अवेलेबल है बट मैंने ये पॉपअप ब्लू कलर का चूज़ करा बिकॉज़ इसको अगर आप पहन लिए ना पूरे मतलब आपके ड्रेसअप को ये हाईलाइट करेगा ये मतलब इसको जब भी आप पहनोगे तो ऐसे एकदम ये हाईलाइट होके सबकी नज़र में चढ़ने वाला है बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर ट्रेंडी कम्फर्टेबल एवर हील होने वाला ये एंड ट्रस्ट में गाइस बहुत ही प्यारा है आप इसको डेफिनेटली परचेज कर लेना बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है मैं आपको हाली 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 रिकमेंड करने वाली हूँ एंड इतना कंफर्टेबल है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती है कितना ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड इसमें जो मेरा साइज़ है मैंने इसमें फोर्टी साइज़ परचेज़ करा है एंड लुक कहते दिस ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है पहनने पर भी बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको सो डेफिनेटली मेरी तरफ से थम्सअप है आप इसको परचेज़ कर लेना बहुत ही अच्छी एंड ट्रेंडी ही ऑन टू द नेक्स्ट फुटवेयर जो कि अगेन एक बहुत ही कम्फर्टेबल सा स्लाइडर है एंड दिस इट्स सो क्यूट लुक कैट दिस फुल पूरा पिंटरेस्टि वाइफ दे रहा है एंड लुक एट दिस कलर बहुत ही प्यारा पिंक कलर का ये फुटवेयर है एंड लुक एट दिस इतना ज़्यादा ये कम्फर्टेबल है मतलब लिटरली जब आप इसको पहनोगे ना आपको लगेगा कि आपने किसी सॉफ्ट कुसन के ऊपर किसी सॉफ्ट चीज के ऊपर अपने पैरों को रख दिया है इतना यह कम्फर्टेबल है मतलब आप इसको पहन के दौड़ लो भाग लो कुछ भी कर लो ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहने वाले पैरों का ये बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा एंड यभी तक का मेरा मोस्ट कम्फर्टेबल स्लाइडर एवर होने वाला एंड इस बहुत ही क्यूट सा फ्लावर बना हुआ है एंड इसमें एक और कलर भी अवेलेबल है जो कि ब्लैक कलर में बट मैं आपको बोलूंगी पर्सनली आप इसको पिंक के साथ जाना ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है आप इसको आराम से कॉलेज के लिए ऑफ़िस के लिए मतलब डेली वे में डेली वेयर में आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो दिस इज़ सो कम्फर्टेबल एंड इसको मैंने पहन के रखा था तो थोड़ा सा ये गंदा हो चुका है एंड uh, सारे फुटवेयरस में, में मेरा जो साइज़ है वो सात नंबर ही है एंड सभी so, कि लिंग्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो आप उसको चेकआउट करना चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट फुटवेयर जो कि मैंने एक बहुत ही सुंदर सा बेच कलर में पेंसिल हील आप बोल सकते हो बट इसमें हील बिल्कुल भी नहीं है एकदम नाक के बराबर है जो कि मैंने ये वाला परचेज़ करा था एंड लुक एट दिस ये ऑफिस वेयर के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला मतलब आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप इसको ले लो अगर आप बहुत ज़्यादा हील में कम्फर्टेबल नहीं हो देन आप इसके साथ जा सकते हो एंड लुक एट दिस इसमें आपको बिल्कुल मतलब आधे इंच के बराबर आपको हील मिलेगी एंड ये पहनने पे आ, मतलब नेक्स्ट लेवल वाला कंफर्टेबल है एंड लुक वाइज तो आप देख ही सकते हो बहुत ही प्यारा है यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये इलास्टिक वाली डिटेलिंग मिल जाती है एंड बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है एंड लुक एट दिस एंड इसमें ना सबसे अच्छी चीज़ क्या है आपको टोटल सेवन टू एट कलर्स में ये अवेलेबल है आप इसमें किसी भी कलर्स के साथ जा सकते हो बट मैं आपको तो बोलूँगी आप या तो ब्लैक लेना या फिर ये बेच कलर का लेना जो कि हर एक आउटफिट पे ये कुर्ती हो या फिर जीन्स हो फॉर्मल वेयर हो हर एक चीज़ पे ना ये आराम से चला जाता है सो डेफिनेटली डेफिनेटली मैं आपको हाल ही हाल ही हाल रिकमेंड करने वाली हूँ एंड इस बार के फुटवेयर से यार बहुत ही चुन के मैंने सारी चीज़ ली थी जो कि हर एक चीज़ पर आराम से चली जाए और इस हील का जो प्राइस है वो है फोर्टीन जो कि टोटली 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 वर्थ इट है इतना ज़्यादा ये कम्फर्टेबल है एंड ऑफिस वेयर के लिए ना आपको बिल्कुल मतलब सेकेंड थॉट आने की जरूरत है नहीं आप इसको आंख बंद करके ले सकते हो एंड इसका जो कलर है ना एक्चुअली ये बेच कलर नहीं है ऑफ वाइट कलर में है लुक एट दिस ये बहुत ही प्यारी साइन भी कर रही है एंड मैं आपको हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ का इस गो फॉर इट एंड एक और चीज़ मैंने इसका भी प्राइस आपको नहीं बताया जो कि पिंक स्लाइडर था एंड इसकी प्राइस है एट हंड्रेड नाइन्टी नाइन रुपीज़ जो कि अगेन टोटली वर्थ इट एंड मोस्ट कम्फर्टेबल एवर स्लाइडर ये है मतलब लुक कैट दिस बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल है यार आप इसको ना कितना भी पहन लो ये पैरों में बिल्कुल भी दर्द नहीं देने वाला है नेक्स्ट so, मैंने परचेज करा था क्रॉक्स बिकॉज मेरे पास अभी तक एक भी क्रॉक्स नहीं थे सो so मैंने इसको परचेज करा जो कि आप पिक्चर में देख सकते हो एंड लुक कैट दिस दिस इज सो क्यूट एंड इसके ऊपर आप देखो बहुत ही प्यारे से ये क्या कहते हैं स्टिकर्स लगे हुए हैं एंड ये बिल्कुल भी निकलने वाले नहीं है इसमें ज्वाइंट दिए मतलब जॉइंट किए हुए हैं बट इसमें ना एक चीज़ मुझसे हो गई कि जब मैंने इसको लिया था ना एंड ये मुझसे टूट गया साइड से ये मुझसे ही टूटा है बट कोई नहीं मैं इस, मैं इसको फिक्स कर लूंगी बट दे लुक सो क्यूट गाइज एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड इसका जो प्राइस है बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है यार एंड इसकी प्राइस है फोर हंड्रेड सेवेंटी नाइन रुपीज़ जो कि सुपर डुपर अफोर्डेबल है एंड ये आपने देखा होगा मतलब इस टाइम पे क्रॉक्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं आप पे हर एक आउटफिट पे आप इसको आराम से कैरी कर सकते हो एंड बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होते हैं समर्स के लिए सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट एंड बहुत ही क्यूट लग रहे हैं एंड इसमें आई थिंक थ्री टू फोर कलर्स अवेलेबल है सो so आप उसको भी चेकआउट करेंगे सभी का लिंक्स मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो so आप उसको चेकआउट करेंट द नेक्स्ट फुटवेयर जो कि मुझे इंस्टाग्राम हर रोज मुझे ये दिखा रहे थे मेरे फीड में सो so, फाइनली मैंने इसको ऑर्डर प्लेस कर दिया था जो कि ये वाला एंड ये एथनिक वेयर के साथ ना इतना ज़्यादा सुंदर लगेगा ना लुक कैट दिस ये पूरा प्रॉपर ऐसे गोल्ड कलर का एंड बहुत ही प्यारी सी इसके अंदर साइन है लुक एट दिस एंड इसकी हील हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत ही मतलब मीडियम साइज़ की है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल रहती है इस टाइप की हील्स एंड जो कि ब्लॉक हील है एंड बिल्कुल भी आप इसमें गिरोगे नहीं काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा ये एंड लुक एट दिस इसमें बहुत ही प्यारी सी राइम स्टोन्स वो लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा साइन करें बहुत ही कम्फर्टेबल है एंड एथनिक वेयर के साथ ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला साड़ी हो या फिर कुर्ती सूट वगैरह आप इस पर पहनोगे ना ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा एंड इसकी प्राइस भी जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है इसकी प्राइस है नाइन हंड्रेड थर्टी नाइन रुपीज़ जो कि अगेन बहुत ही अफोर्डेबल है एंड इसका जो ब्रांड है वो है सेज सी जोन करके इसका जो ब्रांड है मतलब फ़र्स्ट टाइम मैंने इस ब्रांड को ट्राई करा बट ये हील मुझे काफ़ी पसंद है एंड काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल भी है सो यू कैन गो को एंड नॉट इज द नेक्स्ट फुड वेयर जो कि मैंने ये वाइट कलर के फ्लैट्स परचेज किए हैं एंड ये फ्लैट्स मुझे यार इतनी बार मतलब दिख रहे थे एंड मुझे काफ़ी ज्यादा पसंद भी आ रहा था so सो मैंने इसका स्क्रीन शॉट लेकर मिंत्रा के ऊपर सर्च करा था सो so फाइनली मुझे ये मिंत्रा पर मिल गया एंड लुक कैट दैम बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है एंड इसमें आई थिंक टू और थ्री टू और थ्री कलर्स अवेलेबल है बट मैंने इसको वाइट कलर में ही परचेज करा बिकॉज व्हाइट कलर काफ़ी ज़्यादा पॉप अप होके दिखता है आउटफिट पे बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है एंड लुक एट दस एंड इसके ऊपर ना बहुत ही सुंदर सी एक गोल्ड टोन में ना कुछ ऐसे लगे हुए हैं इसके ऊपर स्टोन टाइप के स्टेप देखो राइम स्टोन टाइप के कुछ तो ऐसे लगे हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रटी लग रहे हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसको मैंने एक या फिर दो दो बार इसको मैंने पहन भी लिया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है लुक के एंड्रेस एंड उतना ही ज़्यादा ये अफोर्डेबल भी है इसकी जो प्राइस है वो है जस्ट फाइव हंड्रेड सेवेंटी फोर रुपीज़ तो मैं आपको हाली हाली हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ प्राइस वाइज ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है लुक वाइज बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है एंड क्वालिटी वाइज ये वाले परचेज करे हैं एंड इस टाइप के फुटवेयर ट्रस्ट मेगा आज तक ट्राई नहीं करे है बट लुक दाओ मतलब जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ मतलब बहुत ही ट्रेंडी फुटवेयर ये सैंडल है लुक कैट दिस एंड ये फुल एंड पंटरेस्टिंग वाइप दे रहा है एंड इसका जो कलर है मैंने क्रीम कलर टाइप में मतलब परचेज़ करा बेज कलर में बोल सकते हो लुक कैट दिस एंड बहुत ही प्यारी सी फ्रंट में आपको वो मिल जाती है एंड बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है यार एंड इसमें ना काफ़ी प्यारी सी आपको इतनी हील मिल जा रही है आई थिंक ये टू इंच आपको आराम से ये हील मिल जा रही है बहुत ही कम्फर्टेबल है फ्लैट है पूरे तो आपको आराम से ना चलने वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आप आराम से इसमें चल सकते हो दौड़ सकते हो एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको ये एडजस्टेबल बेल्ट भी मिल जाते हैं एंड इसको मैंने गलती से एक साइज़ बड़ा परचेज़ कर लिया बट दे लुक सो प्रिटी एंड राइट नाउ इस टाइप की जो सैंडल्स है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है सो so, मैं आपको अगेन हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ यू कैन गो फॉर इट एंड इसके जो बैग देखो बैग भी काफ़ी सही लग रही है मतलब इसमें ना सिर्फ फिसलने वगैरह का कोई को भी डर नहीं आप इसको आराम से पहन सकते हो एंड जीन्स वगैरह पे ये काफ़ी ज़्यादा सही लगने वाली है जीस पे या फिर स्कर्ट्स वगैरह पे ये बहुत ही ज़्यादा सही लगने वाले हैं नेक्स्ट मैंने ये वाले फ्लैट्स लिए हैं जो कि मेरे मिंत्रा के विस्ट लिस्ट में ना मतलब बहुत ही लंबे टाइम से था आई थिंक आप सिक्स टू सेवन मंथ बोल सकते हो जो कि ये वाले फ़्लैट्स थे एंड इसमें काफ़ी सारे मतलब बहुत सारे इसमें कलर ऑप्शन आपको मिंत्रा के ऊपर मिल जाएंगे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बट इनकी रेटिंग को लेके मुझे थोड़ा सा डाउट था बिकॉज इनकी जो रेटिंग है ना मतलब मिंत्रा के ऊपर काफ़ी 3.4 3.5 ऐसे करके रेटिंग रहती थी बट मैंने इसको फाइनली इस परचेज कर लिया एंड इसकी रेटिंग आई थिंक 3.8 थी एंड इट लुक्स सो प्रिटी लुक एट दिस अगर आप इसको अपनी मम्मी के लिए भी लेना चाहते हो डेफ़िनेटली आप इसको ले सकते हो बहुत ही कंफर्टेबल एंड पहनने पे यार बहुत ही सारा सुंदर लग रहा है ये पैर में मतलब एकदम से पैर ना खिल के आ रहा है बहुत ही प्यारा लग रहा है पहनने पे एंड इसका जो कलर है ना बहुत ही प्यारा सा ये कॉपर गोल्ड कलर में है एंड यहाँ पे आपको एडजस्टेबल बेल्ट वगैरह भी मिल जाते हैं तो ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगा पहनने पे एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड पैरों में बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है एंड इसकी जो प्राइस है प्राइस भी ज़्यादा नहीं है इसकी जो प्राइस है आई थिंक सिक्स या फिर सिक्स के अराउंड इसकी प्राइस है सो यू कैन गो फॉर इट गाइज़ डेफिनेटली आपको हाल ही रिकमेंड करने वाली हूँ डेली वेयर के लिए आप इसको जीन्स पे कुर्ती पे, पे कॉलेज के लिए ऑफ़िस के लिए आप इसको कहीं भी कैरी करके जा सकते हो बहुत ही ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी है एंड इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन भी अवेलेबल है काफ़ी डिफरेंट पैटर्न में भी अवेलेबल है अब so, मैं आपको दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट हील जो कि मैंने एक बहुत ही प्यारा सा एथनिक हील परचेज़ करा है एंड इस टाइप की हील मेरे वॉर्ड्रॉप में एक भी नहीं थी बिकॉज इस टाइप की हील ना सूट पे साड़ी पे बहुत ही प्यारे लगते हैं एंड इसकी जो प्राइस है वो है सेवन फोर्टी नाइन रुपीज़ एंड ये बहुत ही सुंदर सा बेच कलर में एथनिक हील मैंने परचेज़ करा है जिस कि बहुत ही प्यारे सी एम्ब्रॉयडरी वर्क की गई है एंड लुक एट दिस एंड इसका जो ये चीज़ है ना फिंगर वाला ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है हील्स में सो so मैंने इसी के लिए इसको परचेज़ करा एंड लुक एट दिस हील ये भी ब्लॉक हील है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है एंड लुक वाइज बहुत ही प्यारा लग रहा है एंड गोल्डन कलर का है तो हर एक आउटफिट पर यार बहुत ही सही से जाने वाला है एंड काफ़ी ज्यादा अफर्डेबल भी है एंड इसकी जो ब्रांड है ना ये अनोक ब्रांड का है तो अनोक ब्रांड यार वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड क्योंकि एथनिक वेयर के लिए या फिर फुटवेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है एंड काफ़ी उनके जो फुटवेयर्स रहते हैं ना वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में रहते हैं एंड उनके जो क्लोथ्स रहते हैं वो भी काफ़ी रीज़नेबल एंड क्वालिटी उनकी काफ़ी अच्छी रहती है क्वालिटी उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है एंड लुक के दिस दस यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी सी फेक मिरर वाले ये वॉक मिल जाते हैं एम्ब्रॉयडरी वर्क की गई जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मुझे लग रहा है एंड पहनने पर भी काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है सो यू कैन गो फॉर इट सो so गर्इ ये थे मेरी आज की हॉल वीडियो एंड आई होप आपको पसंद आई होगी एंड जितने मैंने आपको फुटवेयर दिखाएं जितने भी फ्लैट्स दिखाएं हील्स दिखाएं दिखा सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब उसको चेकआउट करना एंड सभी की क्वालिटी बहुत ज्यादा अमेजिंग थी वाइज बहुत ही प्यार प्यार मैंने इस पर हील्स एंड फ्लैट्स चूज करे थे जो कि काफी सुंदर एंड ट्रेंडी लग रहे हैं सो so सभी के लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब उसको चेकआउट करना एंड नेक्स्ट वीडियो कौन सा देखना है आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय